फ्रेंड्स, टीके तो आप सभी को कभी ना कभी लगे ही होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अभी लगने वाले टीके हमें भविष्य में होने वाली बीमारी से कैसे बचा लेते हैं? नहीं सोचा ना, तो चलिए वीडियो देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आखिर हमें टीके कैसे बचाते हैं बीमारियों से। तो चलिए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को प्रेस तो कर लो। कर लिया, चलो वीडियो देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज आरुष एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आरुष। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमें टीके कैसे बचाते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर टीके बनाए कैसे जाते हैं। दोस्तों, टीके बनाए जाते हैं लैब्स में। अभी लैब में जो साइंटिस्ट होते हैं वो जिस बीमारी का हमें टीका लगता है उस बीमारी का वायरस बहुत ही छोटी अमाउंट में उन टीकों में डाला जाता है और वो टीके हमारे शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। उन वायरस की मात्रा बहुत ही कम होती है और उनमें इस हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं कि वो हमारे शरीर को किसी भी तरह से नुकसान ना दे। टीके लगाने से हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। जिस तरह से हम पोलियो की दवा पीते हैं उसी तरह सब टीके आते हैं। जैसे कि पोलियो की दवा है, उसमें पोलियो का वायरस है, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, वो भी मरा हो। तो अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये टीके काम कैसे करते हैं। जिस बीमारी का टीका हमें लगाया जाता है उस टीके में उसी बीमारी का वायरस होता है, छोटा सा, बहुत ही कम अमाउंट में। तो अब जब ये वायरस हमारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो इसे लड़ने के लिए तैयार है ही पहले से। अब इसे लड़ने के लिए वो एक एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी होती है जो किसी बीमारी को लड़ने में हमारी मदद करती है। जब ये एंटीबॉडी से लड़ रही होगी तो हमारे इम्यून सिस्टम एक रिकॉर्ड रख लेगा कि इस बीमारी का वायरस इस तरह के एंटीबॉडी से मारा था। तो मान लो अगर भविष्य में वापस ये वायरस आता है हमारे पास बड़ी अमाउंट में, तो हमारे शरीर को पहले से पता होगा कि आखिर इनसे लड़ना कैसे। तो इसीलिए ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। इसलिए हम सभी को सारे टीके लगवाने चाहिए जिससे कि हमारी सभी तरह की बीमारियों से बचाव हो सके। मुझको उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आखिर टीके काम कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।